हम उस जगह पर जिस महामानव की हम बात करें, बात ही नहीं, अगर हमारे शरीर के एक एक खून का कतरा, जैसे अभी लोगों ने बोला एक एक खून का कतरा अगर हम उनके जीवन प्रकाश में लगा दें तो उनके नाम के लिए वो बहुत कम होगा। ये वो जगह है डॉक्टर अंबेडकर भवन, जो बाबा साहब ने अथक प्रयासों से इसको बनवाया था, और इस भवन को बनवाने के लिए बहुत पूंजीपति लोगों ने यहाँ आकर बाबा साहब से कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ये 10-10, 20-20 रुपए इकट्ठे करने से क्या फ़ायदा है, इसको मैं ही बनवा देता हूँ। परंतु बाबा साहब ने कहा था कि मैं इस भवन को उन गरीब लोगों से 10-10, 20-20 रुपए चंदा लेकर बनवाऊँगा, जिससे डॉक्टर अंबेडकर का नाम रहे और इसमें मेरा जो जीवन परिचय है या जो मेरे जो बताए हुए रास्ते हैं उस पर चल सकें। यदि मैं आपके पैसे से इसे बनवा देता हूं तो वो पूंजीपतियों का भवन कहलाएगा। आज इस भवन के अंदर दीक्षा समारोह बड़े पैमाने पर हुआ और बहुत अधिक लोगों ने यहां भाग लिया। इसी समारोह के अंदर, दीक्षा समारोह के अंदर, एक हमारे बीच में एक महिला है जिनको राखी रावण के नाम से जाना जाता है। आइए, रावण शब्द इन्होंने क्यों रखा है, क्योंकि आज के टाइम में तो कोई रानी लगता है, कोई देवी लगता है, कोई कुछ लगता है, कोई कुछ लिखता है, तो ये राखी रावण हमारे बीच में आई, हम इनसे जानकारी लेते हैं और इनसे रूबरू होते हैं। मैडम, आपका एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मैंने रावण नाम क्यों रखा, मुझसे पूछा गया है कि रावण नाम क्यों रखा है, सब ने देवी और रानी लगाया है, लेकिन राखी रावण उनमें से है नहीं जो सब देवी और रावण लगाती हैं। अगर हमें अपना इतिहास जानना है, हम बाबा साहेब के मिशन में आए हैं, हम भगवान बुद्ध के धर्म को लेकर चल रहे हैं, तो जो हमारे राजा हैं जिन्हें षड्यंत्र के तहत बुरा बनाकर उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, उनका इतिहास खत्म करा जा रहा है, तो बुद्धिस्ट होने के नाते हमारा फर्ज बन जाता है कि जो हमारे पूर्वजों को बिना वजह के कलंकित करके उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हमारा ये फर्ज बनता है कि उनकी सही पहचान हमें अपने समाज के बीच और समाज के साथ साथ हमें अपने देश के बीच इस पहचान को लाना है कि रावण एक बौद्ध राजा था, भगवान बुद्ध के धर्म का पूरी तरह से पालन करने वाला था, 10 पारमिताओं का पूर्णतः पालन करता था, बहुत दानवीर राजा था, इसलिए रावण की सच्चाई बताने के लिए मैंने ये रावण नाम लगाया। राखी रावण जी, अब सब बौद्ध धर्म की बात करते हैं, बौद्ध धर्म का पालन करना चाहिए और बौद्ध धर्म को हमें आगे लेके चलना चाहिए, क्या कारण है कि आज युवा युवतियाँ इस धर्म को नहीं अपना रहे हैं, क्या कारण है? युवतियाँ इसलिए नहीं अपना रही हैं क्योंकि ये मनुवाद, ये ब्राह्मणवाद ने हमारे महिलाओं को और हमारे समाज के पुरुषों को भी इस तरह से भटका दिया है चमत्कार का नाम देकर। अब महिलाएं कुछ काम करें, हाथ जोड़ती हैं देवी के सामने जाके, लेकिन भगवान बुद्ध के धर्म में अगर वो आएंगी तो वहाँ भगवान बुद्ध कोई चमत्कार नहीं दिखाएंगे, वो कहेंगे कि अगर तुम्हारा बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो वो जॉब नहीं कर सकता, अच्छी कुर्सी प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वो देवी के मंदिर में जाएगी तो वो देवी माँ से कहेगी कि जी मेरे बच्चे को पास करा देना, 51 का भोग तुम्हें लगाऊंगी और इसे अच्छी जॉब दिला देना, होना वहाँ कुछ नहीं है, होगा भगवान बुद्ध के मार्ग से। और महिलाएं अंधविश्वासी हैं क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्रों में लिख दिया गया है कि महिलाओं में बुद्धि नहीं होती, लेकिन भगवान बुद्ध ने और बाबा साहेब ने हमें अधिकार देके ये साबित किया कि महिलाओं में बुद्धि होती है, बशर्ते उन्हें अवसर मिलने चाहिए। मैडम, अभी जैसे आपने बताया बौद्ध धर्म के बारे में, एक जो अभी करवा चौथ गई है उस पर एक जो स्टैचू होती है, एक कागज की मूर्ति ली आते हैं 10 रुपए की, और कागज को 10 रुपए का टांग दिया जाता है, उसी कागज की मूर्ति से महिला कहती है हे करवा चौथ मेरे पति की उम्र लंबी कर देना। एक कागज की मूर्ति, जैसा अभी आपने बताया कि चमत्कार दिखाने वाली बात, जो अभी पीछे जो करवा चौथ गई है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पीछे जो करवा चौथ गई है उसके बारे में हमारा समाज, हमारा इतिहास भूल गया है, लेकिन हकीकत ये है कि जब ब्राह्मणों की महिलाएं यहाँ के पुरुषों के साथ संबंध बनाने लगी तो ब्राह्मणों ने अपनी महिलाओं को यहाँ के मूल निवासियों के चंगुल से बचाने के लिए उन्हें पति परमेश्वर की बेड़ियों में जकड़ा और करवा चौथ का व्रत रखाया कि परमेश्वर, पति ही परमेश्वर होता है और अगर तुम करवा चौथ का व्रत रखोगी तो उसकी उम्र लंबी होगी और पति के बिना अगर किसी और की तरफ देखोगी तो नर्क का भागीदार होगा, तुम्हें नर्क मिलेगा, और महिलाओं को मजबूरन ये करवा चौथ का व्रत रखना
करना पड़ा, लेकिन हमारे समाज की हमारा इतिहास गवाह है, पहले कोई भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखती थी। ब्राह्मण की महिला रखती थी, बनिए की महिला रखती थी, राजपूत की महिला रखती थी, लेकिन शूद्र और अति शूद्रों की महिलाएं करवा चौथ का व्रत नहीं रखती थी। मैडम, आपने बोला कि हम गांव-गांव में जाके हम भीम बाबा साहब को जगाने की कोशिश कर और ये हम इस तरीके का करते हैं, तो मैडम जब आप गांव-गांव में जाती हो तो आपको किस तरीके की उन गांव के अंदर जाके परेशानी का सामना करना पड़ता है? गांव के अंदर जब हम जाते हैं तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब मंच के प्रोग्राम होते हैं तो मंच पे तो स्वागत भी होता है, सम्मान भी होता है, लेकिन जब हम गांव के बीच जाते हैं तो घंटों घंटों हम ऐसे ही बैठे रहते हैं। लोगों को घर में से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जो कार्यकर्ता होते हैं वो बार बार जाते हैं कि बाबा साहेब के विचारों को सुनने के लिए आओ, बहुत मेहनत करते हैं और तब वो बाबा साहेब के विचार सुनने के लिए आते हैं। लेकिन जब वो बाबा साहेब के बलिदान को सुनते हैं, जब मैं बाबा साहेब का बलिदान बताती हूँ, बाबा साहेब ने हमें क्या अधिकार दिलाए, तो वही लोग हिंदू धर्म को आग लगाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं।